मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बना रहे हैं, इनसे सवाल लेना बंद कर दो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। अखिलेश ने कैराना के लिए चेहरे की तलाश कर ली है। नाहिद हसन जेल से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने उन्हें समाजवादी साइकिल पर सीट दे दी है और ये भी साफ कर दिया है कि मुस्लिम परस्ती उनके लिए भी कितनी बड़ी मजबूरी है। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बना रहे हैं, इनसे सवाल लेना बंद कर दो। 10 दिन, 1 महीना, चाहे छिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाके ले लो। नाहिद हसन पर अखिलेश का यूं भरोसा करना ये साफ कर रहा है कि पश्चिम यूपी के चुनावी भूकंप का एपिसेंटर कहां है। ये भी साफ हो गया है कि जिस पर बल्लेबाजी करने को बीजेपी आतुर दिख रही है, उस पिच से अखिलेश को भी कोई शिकायत नहीं रही। कैराना से नाहिद हसन को उतारने का संदेश बेहद साफ है। पश्चिम यूपी में अब मजहबी मुद्दों का ही मार धाड़ है। नाहिद हसन के नफरती नगमे तो सबने देखा और सुना। अब मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी के एक और उम्मीदवार आदिल चौधरी का वीडियो भी वायरल है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। आदिल चौधरी इस वीडियो को लेकर सफाई दे रहे हैं, बीजेपी पर वीडियो से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। आज तक इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो पर राजनीति बेहद गर्म है। ये हम क्या बोल रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, तो ऐसा हमारा क्या कुछ बोला था आपने? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो कोई बात ना, क्या बोला था आपने, किस संदर्भ में बोला? हमने किसी संदर्भ में नहीं बोला और हमारा आगे भी यही है कि हम सबके हाँ काम करेंगे। हमारी भाजपा वाली सोच नहीं है, हमारी सरकार आ रही है और इंशाल्लाह जैसे हम पहले काम करते थे ऐसे काम करेंगे। सवाल ये है कि वो जो वीडियो वायरल हो रहा है आपका है, कब का है? नहीं, वो हमारा नहीं है, मैं बता नहीं रहा। अच्छा, हम अब भी आपसे कोई बात कर रहे हैं, अब कोई इसमें से लेके कुछ और कहने लगे तो ये हमारा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब करते हैं आदिल चौधरी जैसे लोग। आदिल चौधरी जैसे लोग, अभी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई है तभी इनके स्वर है। जरा कल्पना करिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो इनके स्वर कैसे होंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों को, हिस्ट्री सीटर्स को, माफियाओं को, गुंडों को अब कोई जगह नहीं मिलने वाली है। समाजवादी पार्टी इस दीवा स्वप्न में ही रह जाएगी, उत्तर प्रदेश की जनता इनको फिर खारिज करेगी। अखिलेश के लिए राहत की बात यह है कि आजम खान को चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल चुकी है। आजम खान मुलायम के विश्वस्त हैं, अखिलेश के भी अजीज हैं, यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। अदालत ने आजम खान के नामांकन को मंजूरी दे दी है, लेकिन बीजेपी को पश्चिम यूपी के चुनाव तक कोई और मोर्चा मंजूर नहीं।